हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो गाइज, आज संडे और आज अभी दोपहर हो रही है, तो सोई लेटे हैं हम वैसे तो, क्योंकि हम सुबह से गाइज बाहर देख रहे हैं, क्योंकि आ जाने वाले हमारे मेरे भाई भाई और भाभी। तो सुबह से बाहर देखते देखते गाइज वो आए नहीं है। अभी 2 बज चुके हैं सुबह, मतलब दोपहर के, सुबह के नहीं, दोपहर के 2 बज चुके हैं और बच्चे बाहर देख डाक के सो गए हैं। ये परी सो रही है और उधर हर्षो सो रहा है, दोनों सो रहे हैं। तब से बोल रहे थे मामा कब आएंगे कब आएंगे, तो अभी ये क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गए थे, मावस की तो हम जल्दी उठे थे, फिर बच्चे भी हमारे साथ ही जल्दी उठ गए थे। बेटा दरवाज़ा लगा दो। तो गाइज उस वजह से जो है इनको जल्दी नींद आ गई। वैसे तो ये सोते ही नहीं है दिन में, अब कम ही सोते हैं, लेकिन ये आज सुबह जल्दी उठेंगे तो अभी ये सो चुके हैं। वैसे भाई भी आ ही लिया है बस, क्योंकि अभी हमने फ़ोन किया था तो वो बोल रहा था कि बस मैं आ गया हूँ मिलते ही, तो बस आते और मैं आपको दिखाती हूँ। और फर्स्ट टाइम आने वाला है गाइस हमारा यहाँ पे भतीजा, क्योंकि जब से वो हुआ है भाई का लाला, वो आया नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आने वाला है वो। किट्टो तो एक दो बार आ गई है लेकिन वो नहीं आया है, तो बस देखते रहिए। और गाइस भाई और भाभी आ चुके हैं, बहुत देर के आए हैं, अभी तो बैठे हैं। अब न छोड़े तेरे पीछे, कभी कोई तो कभी कोई तो। मैं पहली बार आया हूं। ओए, अरे, ओए, चुटकाए कहीं, कोई चुटको चुटका चो बेटा है। बहुत ध्यान से देख रहा, सो के तो उठा ही है जब यू आया, ऐसे देख रहा हूँ कौन आ गया। हो फोन लेगा, फोन लेगा बेटा। देखो कहाँ बैठो, चाहे गिर जाओ। अरे गिर जाएगा, अब खा लो लिवा के लाए यार। कौन से मांगी आइसक्रीम? सबने सबने। अब कोल्ड ड्रिंक सबने देख। कोल्ड ड्रिंक भी है, आइसक्रीम। अब मंदिर चल रहे हैं, वही खा लेते। छोटा लाला भी खा लेता, अभी वो छोटा है। और गाइज अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि भाई बोल रहा है कि अक्षरधाम मंदिर चलते हैं, तो भाई लेके जाएगा अक्षरधाम मंदिर। और अभी इसमें चावल बन चुके हैं और मैंने बनाई आलू गोभी की सब्ज़ी, और गाइज इसमें बनाए छोले और इसमें रायता बन चुका है, आटा लगा के रख दिया है। तो अभी आज शाम का खाना जो है मैंने जल्दी बना दिया था, और फिर हम उसके बाद निकल गए अक्षरधाम मंदिर के लिए। तो गाइज़ आज हमें टाइमिंग का पता नहीं था कि कितने बजे जो है लास्ट टिकट होते हैं, तो हम थोड़े लेट हो गए थे। लेट तो नहीं, वैसे टाइम से पहुंच जाते, लेकिन गाइज़ आज बहुत जाम था तो उसकी वजह से हम लेट हो गए। दरवाजे पे गए थे और इसने इतने जो है दरवाज़ा बंद हो गया, फिर हम जो है बाहर से ही आ गए। और फिर उसके बाद रास्ते में जो है भाई साहब लेके गए थे ऐसे, फिर वैसे तो मैं घर पे जो है खाना बना के गई थी, सिर्फ रोटी रह रही थी, लेकिन भाई साहब बोलने लगे कि कुछ खा, मतलब कि खिलाने लेके गए, फिर हम गए मसाला डोसा खाने के लिए। तो आप वहाँ पे जो है गाने चलते रहते गाइज यहाँ पे, तो उस वजह से वॉइस ओवर भी यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। और अभी जो है फटाफट से हम यहाँ चलते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने खाया था मसाला डोसा, और बच्चों का तो आपको पता ही है हमारे कितने शैतान हैं, तो कभी ये छेड़ कभी वो छेड़ परेशान कर रहे थे। ये एक टेबल पे इनको बैठना ही नहीं है, हर कोई बोलता है अलग अलग टेबल पे बोलने बैठने के लिए। तो कभी बोल रहे थे हम मामा के पास जाएंगे, कभी बोल रहे थे हम मम्मा के पास जाएंगे, कभी कुछ गिरा रहे थे कभी कुछ। तो इनमें जो है जो कुछ भी सूट हो पाता है फिर हम वही सूट कर लेते हैं। और तो अभी हम यहीं पर आए हैं मसाला डोसा खाने, तो अभी खाते और फिर उसके बाद जाएंगे हम घर।
और गाइज बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि आज उनका मामा आया है, क्योंकि हमने सुबह बताया था जैसे कि आज तुम्हारे मामा आने वाले, तो गाइज सुबह से बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि कब आएंगे मामा, कब आएंगे मामा। ये भाई जो है थोड़ी लेट आया था, जैसे कि 2:30-3 बजे आया था। तो परी और हरसू तो जो है फिर सो भी गए थे बाहर देखते देखते, लेकिन फिर भाई ने आकर उनको थोड़ी देर में उठा दिया और तब से बच्चे उसके ही साथ लग रहे हैं और उसी के साथ बैठे हैं। दो बच्चे उसके पास बैठे और दो बच्चे भी जिद कर रहे थे कि हम भी उसके पास ही बैठेंगे, मामा के पास ही बैठेंगे। लेकिन फिर हमने ज़बरदस्ती बिठा के रखा है कि वो कैसे खाना खाएगा, क्योंकि सब उसकी गोदी में बैठ रहे हैं, कोई उसको खाने नहीं दे रहा है। तो भाई जैसे हमारे बच्चों का मामा है, भगवान ऐसा सबको सबके बच्चों को मामा दे। गाइज सभी अपने भांजी भांजी के लिए मरते हैं, लेकिन हमारा भाई सच में बहुत अच्छा है। और गाइज फिर वहाँ से आने के बाद लाला तो सो गया था, अभी वो सो रहा है। तो ये हमने तो खाना खाया है नहीं। फिर गाइज घर आने के बाद जो रोटी वो बनाई थी और दूध वूध जो वो किया था, तो बस उसके बाद जो है फाइनली हम सारे बैठ के फिर बातें कर रहे थे। और ऐसे ही कब दिन निकल गया गाइज पता भी नहीं चला आज का। तो लाइट जला दवा तू, कभी काली आ रही है। देखिए भैया काली कह दी, कितनी जल्दी लाइट जला दी। अच्छा, लाइट जला। ये मर जलाई है तू, काली देख रही है। ये तो सो गो, सुबह 4 बजे से तक खेल रहा है और अब सो गो। छुट्टी हो लाला, सुबह उठ गो 4 बजे। गाड़ी को बताओ तेज बोलते हैं आप, तो बहुत धीरे बोल रहे हो। खिचड़ी आज मम्मा ने चीज बनाई है और खिचड़ी और बच्चे पापा ने खिचड़ी बनाई नहीं थी। बच्चे पापा ले रहे थे बच्चे और हम डर गए थे। हाँ भाई आप भी बोलोगे कुछ? नहीं बोलना कुछ भी, खीर खानी है बस। आप भी बोलो कुछ है? अच्छा आप बोलोगे, अब बोलो क्या बोलोगे। ये तो बोलता नहीं है, और आप मम्मा ने तेल बनाई है। बाय बाय। बस इतनी सी बात, आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे, वो इतनी तो बोली है। क्यों आप तो बहुत बोलते हो, सब मारे सुनाइए। तो सुन ले, सुनिए गाइस आज मैं बताती हूँ एक बात, तो सुन बोलो बोलो जल्दी, अब जल्दी बताओ। शर्मा जी तो ये इतना शर्माया हुआ, आप तो शर्माते ही ना हो। शर्माते ही ना, शर्मा जी जल्दी बर्तन दो, खा के जल्दी दे दो बर्तन और लाओ खीर। परी आप भी खा लो। हाँ मैं तो मां बेटी। हाँ अच्छा, आप शर्मा गए थे किससे? रूबी मम्मा से। रूबी मम्मा बाहर की है? रूबी मम्मा अब बाहर है। और मम्मा ने खिचड़ी बनाई है आज। कितनी बार बताओगे? खिचड़ी नहीं खीर। आप अपने खिचड़ी न बोलती ना, तेल बोले। खीर न बोलती, खिचड़ी बोले। लो, लो। और खीर
और खीर हाँ, अब थोड़ी सी खीर ला दी जो अच्छा मैं तो जा रही हूँ आपके तो मूछ भी बन गई खीर से क्या देखे गाइस खिचड़ी फिर खिचड़ी हाँ देख रहे हैं गाइस खीर अरे ये क्या है ये हर्षू रहने दो आपके लिए लेकर आ रही है ना मम्मा